ट्रायल टेक ऑफ हुआ है। फाइटर प्लेन उतारकर एक्सप्रेस वे की टेस्टिंग की गई है। 8 फाइटर प्लेन सिर्फ हाईवे को छूकर निकले हैं और 3 हाईवे पर उतरे हैं। आपात स्थिति में रनवे के तौर पर भी वे का इस्तेमाल हो सकता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उन्नाव से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर फाइटर प्लेन का ट्रायल टेक ऑफ हुआ है। आपातकालीन स्थिति में एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल किया जा सकेगा, रनवे के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो 3 फाइटर प्लेन हाईवे पर उतरे हैं। इसके अलावा मिराज 2000 और सुखोई 30 का भी लैंडिंग टेस्ट हुआ है। 8 फाइटर प्लेनों ने इलाहाबाद से उड़ान भरी थी और उन्नाव में, ये तस्वीरें आप उन्नाव की देख रहे हैं, जहां पर रनवे के तौर पर इसका इस्तेमाल करने के लिए टेस्टिंग की गई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर उतरे हैं फाइटर प्लेन। उन्नाव के बांगरमऊ में फाइटर प्लेन का ट्रायल किया गया है, एक्सप्रेस वे की टेस्टिंग की गई है। फाइटर प्लेन को उतारकर 8 फाइटर प्लेन सिर्फ हाईवे को छूकर निकले हैं, जबकि 3 फाइटर प्लेन हाईवे पर ही उतरे हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उन्नाव से, जहां पर आपात स्थिति में रनवे के तौर पर इस्तेमाल कैसे किया जाए एक्सप्रेस वे का, इसके लिए टेस्टिंग की गई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर फाइटर प्लेन उतारे गए हैं। उन्नाव के बांगरमऊ में फाइटर प्लेन का ट्रायल टेक ऑफ हुआ है। फाइटर प्लेन उतार कर की गई है एक्सप्रेस वे की टेस्टिंग। 8 फाइटर प्लेन सिर्फ हाईवे को छू कर निकले हैं, जबकि 3 फाइटर प्लेन को हाईवे पर उतारा गया। आपातकालीन स्थिति में किस तरीके से एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको लेकर आज टेस्टिंग की गई है। 8 फाइटर प्लेन जिन्होंने इलाहाबाद से उड़ान भरी थी, उन्हें उन्नाव में टेस्टिंग उनकी उन्नाव में की गई, और आपातकालीन स्थिति में रनवे के तौर पर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इसको लेकर यह टेस्टिंग की गई है। 8 फाइटर प्लेनों ने इलाहाबाद से उड़ान भरी थी और 3 फाइटर प्लेन एक्सप्रेस वे पर उतरे हैं, जबकि बाकी फाइटर प्लेन छूकर निकले। तो 8 फाइटर प्लेन सिर्फ हाईवे को छूकर निकले, जबकि 3 फाइटर प्लेन हाईवे पर उतरे हैं। बड़ी खबर उन्नाव से, मिराज 2000 और सुखोई 30 का लैंडिंग टेस्ट हुआ है। 8 फाइटर प्लेनों ने इलाहाबाद से ये उड़ान भरी थी। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इंडिया वॉइस पर देख रहे हैं। उन्नाव से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर फाइटर प्लेन का टेस्ट हुआ है और उन्नाव के बांगरमऊ में फाइटर प्लेन का यह ट्रायल टेक ऑफ है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़ गए। अमित, एक अच्छी खबर है, आपातकालीन स्थिति में एक्सप्रेस वे को रनवे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। क्या कुछ तैयारियां की गई थी, किस तरीके की वहां पर तैयारी थी इस टेस्टिंग को लेकर? देखिए, लगातार 6 दिन से लखनऊ जोन से सभी अधिकारी पहुंच रहे थे और एक्सप्रेस वे को का जो पूरा रनवे था इसको तैयार कर रहे थे। आज इसकी टेस्टिंग हुई है। लगभग 8 फाइटर प्लेन रनवे को छूते हुए वो बार बार जा रहे थे, आ रहे थे, उनको देख रहे थे। इस मौके पे वायुसेना के तमाम अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी सब मौजूद थे। जी चलिए, शुक्रिया अमित त्रिवेदी इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता अमित त्रिवेदी जो कि जानकारी दे रहे थे कि वहां पर किस तरीके से वायुसेना के और तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद थे, अधिकारियों की मौजूदगी में फाइटर प्लेन का टेस्ट किया गया है, टेस्टिंग किया गया, इनका ट्रायल टेक ऑफ किया गया। उन्नाव के बांगरमऊ से यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर फाइटर प्लेन की टेस्टिंग की गई है और एक्सप्रेस वे को रनवे की तरह किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा या किया जा सकता है आपातकालीन स्थिति में, इसको लेकर यह टेस्टिंग की गई। 3 फाइटर प्लेन हाईवे पर उतरे हैं, जबकि 8 फाइटर प्लेन छू कर निकले हैं।